मंडी जिला में प्रदेश पुलिस के 74 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पडल मैदान में चल रही है। भर्ती के दूसरे दिन 1200 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया। ये प्रक्रिया 29 जून तक जारी रहेगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया, इस बार पहली बार ऑनलाइन सिस्टम के तहत आवेदन मांगे गए और भर्ती के दौरान भी सारा डाटा ऑनलाइन ही अपलोड किया जा रहा है। मंडी जिला में प्रदेश पुलिस के 74 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पडल मैदान में चल रही है। भर्ती के दूसरे दिन 1200 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। ऐतिहासिक पडल मैदान में जो भर्ती प्रक्रिया सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है, इस बार इस भर्ती के लिए 14,500 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है और ये प्रक्रिया 29 जून तक जारी रहेगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि इस बार पहली बार ऑनलाइन सिस्टम के तहत आवेदन मांगे गए हैं और भर्ती के दौरान भी सारा डाटा ऑनलाइन ही अपलोड किया जा रहा है। भर्ती के लिए आ रहे अभ्यर्थियों को वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड और अपना आई कार्ड साथ लाने की हिदायत दी गई है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है और किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। एसपी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि सुबह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले आए हुए अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया की पहले पूरी जानकारी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक मंडी गुरुदेव शर्मा का कहना है कि इस भर्ती को लेकर युवाओं में भी खासा क्रेज देखा जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पडल मैदान में आए हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि इसके लिए उन्होंने करीब 3 माह पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षा को पार कर लिया है, वे अब लिखित परीक्षा में भाग लेंगे। आज मंडी जिला में पुलिस भर्ती का दूसरा दिन है। आज भी महिला अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए बुलाया गया है। आज कुल 1200 महिला अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए बुलाया गया है और अभी तक इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वही चली रही है और जितने भी कैंडिडेट्स अभी हर इवेंट्स में अलग अलग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं।